जैसे ही पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से नई संसद का ये वीडियो शेयर हुआ, उसी दौरान नई संसद के स्ट्रक्चर से लेकर उसके अंदर लगी एक एक चीज को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ती चली गई। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस नए भवन का धर्मशास्त्रीय पौराणिक महत्व क्या है, किन रीति रिवाजों के साथ इसका उद्घाटन होगा। हालांकि जिस वक्त ये सवाल सामने आए, उसी दौरान तमिलनाडु के पुजारियों का एक दल दिल्ली पहुंचा। धर्मापुरम अधिनियम के ये पुजारी मठ के प्रमुख नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु से आए यही साधु संत सेंगोल के साथ साथ नई संसद के उद्घाटन के लिए पूजा अर्चना करेंगे। और इस बीच नई संसद के इनॉग्रेशन का पूरा शेड्यूल भी सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक सुबह 7:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन होगा, पूजा अर्चना होगी। इसके लिए गांधी मूर्ति के पास पंडाल लगाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश मौजूद रहेंगे। नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का क्या है पूरा कार्यक्रम? दरअसल दो चरणों में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में सेंगोल स्थापित किया जाएगा। वही सेंगोल, वही राजदंड जिसको धर्म का प्रतीक माना गया है, सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक माना गया है और तमिलनाडु के संतों ने उसे सृजित किया है। उसके बाद 9 से 9:30 बजे तक प्रार्थना सभा होगी, जिसमें देश भर के अलग अलग मठ मंदिर अलग अलग जगहों से धर्माचार्य बुलाए गए हैं, शंकराचार्य बुलाए गए हैं, तमाम मठाधीश बुलाए गए हैं। उन मठाधीशों के बीच में बकायदा धर्म सभा प्रार्थना सभा होगी और विद्वान और पंडित प्रार्थना सभा करेंगे। एबीपी न्यूज को पता चला है कि नई संसद के लोकार्पण का ये पूरा कार्यक्रम दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले फेज के बाद दूसरा फेज 12:00 बजे शुरू होगा, जो नई संसद भवन का औपचारिक उद्घाटन समारोह होगा। सांसद मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। दो लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इन लघु फिल्मों के जरिए भारत के इतिहास को दर्शाया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा उप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संदेश पढ़े जाएंगे और उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं और दूसरे जो नेता हैं उनका संबोधन होगा, यानी स्पीकर लोकसभा ओम बिरला जी का संबोधन होगा और उसके बाद राज्यसभा में डिप्टी जो चेयरमैन है हरिवंश जी उनका संबोधन होगा। अब चूंकि कांग्रेस इस प्रोग्राम का बॉयकॉट कर रही है तो विपक्षी दल के नेता के पहुंचने की उम्मीद कम है, लेकिन इसके बाद भी प्रोग्राम जारी रहेगा। स्पीकर के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी 75 रुपए का एक सिक्का जारी करेंगे। इस मौके पर एक 75 रुपए का यानी 75 रुपीज का एक सिक्का, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इसलिए एक 75 रुपए का एक सिक्का भी रिलीज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीज करेंगे और उसके बाद अंत में 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम के संबोधन के बाद देश के स्वर्णिम इतिहास में लोकतंत्र को मजबूत करने वाला नया अध्याय जुड़ जाएगा और नई संसद न्यू इंडिया की नई ताकत के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएगी। देश किस तरह बदला है ये उस शख्स से भी जानिए जिसने डिप्लोमेट के तौर पर इंडिया को कई जगह रिप्रेजेंट किया और अब विदेश मंत्री के तौर पर नए भारत की ताकत को महसूस कर रहे हैं। At the politics of India, the representation of India, it is in many ways the result of really 75 years of a very deep democracy. The second is that Modi's India is actually a return to a political dispensation that has a majority. विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 20-30 साल में ग्लोबलाइजेशन के चलते विश्व में एक बार फिर संतुलन आया है। जो देश पहले दुनिया पर हावी हुआ करते थे वो अब उस लेवल पर हावी नहीं रहे, मतलब ये वक्त हिंदुस्तान का है जो नई शताब्दी में दुनिया को लीड करने वाले रोल में दिखने भी लगा है।